अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टू क्लास, आज हम आपकी इंग्लिश ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आप पेज नंबर 40 पे जब आते हैं तो आपको ऐसे राइटिंग मिलते हैं, सारे ऐसेज आपके पेज नंबर 40 पर हैं, ठीक है। पहला ऐसे आपका माई सेल्फ, यानी मेरा तारुफ अपनी ज़ात के बारे में, कि आप बॉय हैं या गर्ल हैं, अपने नेम के बारे में, हाउ ओल्ड आर यू, अपने एज के बारे में, ठीक है, अपने स्कूल के बारे में, ये सारी इंफॉर्मेशन आप अपने माई सेल्फ में लिख सकते हैं। आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आप दिन में कितनी नमाज़ें पढ़ते हैं, आपको क्या क्या पसंद है, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आपके फादर एंड मदर करते क्या हैं, इस सब के बारे में आप ऐसे माई सेल्फ में बता सकते हैं। ओके, मैं आपको इसको कॉपी पे करने का पैटर्न भी बता देती हूँ जी। कॉपी पर आपका करने का पैटर्न क्या है, सबसे पहले बेटा आपने लिखना है ऐसे, उसके बाद आपने माई सेल्फ लिखना है। बुक पर आपको जो ऐसे गिवन किया हुआ है वो पैराग्राफ में है, लेकिन जब आपने इसको कॉपी पे करना है तो आपने इसे इस तरीके से लाइंस में मेंशन करना है, ठीक है। अब फर्स्ट लाइन मैंने लिखी है, माई नेम इज़, आपका जो भी नाम है, अगर आप गर्ल हैं आप मीन्स दैट बॉय अपना नाम लिखेंगे, बॉयज़ और गर्ल्स अपना नाम लिखेंगी, ठीक है। और सेकंड लाइन में आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, आपकी जो भी एज है आप वो एज यहाँ पर मेंशन करेंगे। थर्ड में आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, ठीक है, या जाती हूँ। फोर्थ लाइन है आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, से माई प्रेयर्स एंड गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, अपनी नमाज अदा करता हूँ एंड गो फॉर अ वॉक, और सुबह की सैर को चले जाता हूँ या जाती हूँ। उसके बाद फिफ्थ लाइन है आपकी, आई डू माई एक्सरसाइज डेली, मैं रोज़ाना अपनी एक्सरसाइज यानी वर्जिश करती हूँ या करता हूँ। सिक्स लाइन है माई फादर एंड मदर लव मी वेरी मच, मेरे फादर यानी मेरे अब्बू मेरी अम्मी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। सेवन्थ लाइन है आई हैव माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त भी हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर सेवन लाइन्स लिखी है, बेटा आप इसको भी याद कर सकते हैं, और जो आपके पेज बुक पे पेज नंबर 40 में जो आपको ऐसे राइटिंग दिया गया है आप उसे भी याद कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ओके, अब हम पढ़ते हैं आज नंबर्स के बारे में भी। नंबर्स बेसिकली क्या हैं, सिंगुलर, जब एक चीज़ के बारे में बात की जाती है तो उसे सिंगुलर कहते हैं, ठीक है। जब एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में जब बात की जाती है तो उसे हम प्लुरल का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर भी आपको कुछ नंबर्स करवाए गए हैं, आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए गए थे जिसमें आपको सिंगुलर मेंशन किए गए थे, आपने कॉपी पर उसे उतार कर प्लुरल्स भी साथ में लिखने थे। अब देखिए सिंगुलर में उन्होंने दिया है फर्स्ट एप्पल, और जब हम एक से ज़्यादा एप्पल के बारे में बात करेंगे तो प्लुरल में वो एप्पल्स बन जाएगा, ए डबल पी एल ई एस, लास्ट में एस भी लग जाएगा, ठीक है। सेकंड है एरो, एरोस, फ्लावर, फ्लावर्स, ब्रश, ब्रशेस, विश, विशेस, बस, बसेस। नेक्स्ट देखते हैं पेज पर, ड्रेस, ड्रेसेस, ग्लास, ग्लासेस, सिटीज, फेरी, फेरीज, फ्लाई, फ्लाइज, लेडी, लेडीज, की, कीज, मंकी, मंकीज, प्ले, प्लेस। ये था बेटा आपके नंबर्स के बारे में। उम्मीद है बेटा आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। आपने घर में इसी पैटर्न से नीट कॉपी पे आपने काम करना है। अल्लाह हाफिज़।